कल रात से अब तक टोटल 117 लोगों को पूरे जनपद में पुलिस प्रशासन और मेडिकल की ज्वाइंट टीम सीएमओ साहब के अध्यक्षता में बना के 117 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इन 117 में से 115 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जमातों से बाहर के जनपदों से आके हमारे जनपद में रुके हुए थे। ये 29 जनवरी से लेके और 20 मार्च तक अलग अलग जमातें ट्रेस हुई हैं जो अलग अलग दिनांक पे इस जनपद के अंदर आए। उनकी टोटल संख्या 115 है। दो लोग और ट्रेस हुए हैं जो बाहर के जनपद के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ प्रायोरिटी पे लेके इनको अलग से क्वारंटाइन किया गया है। इनका मेडिकल चेकअप डीएम साहब के द्वारा सीएमओ से कराया गया है। अब तक कोई भी सिम्टम किसी को नहीं मिले हैं। जिन लोगों ने इनको अपने घर पे रखा हुआ था और पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। एज ऑफ नाउ जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं है जो जनपद के अंदर बाहर का हो और अभी जनपद के अंदर रखा हुआ हो और उसको क्वारंटाइन ना किया गया। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है कि जनपद से बाहर का कोई व्यक्ति है और जनपद के अंदर रुका हुआ है, तो उसको तत्काल तीनों विभागों की पुलिस प्रशासन और मेडिकल की ज्वाइंट टीम जाएगी, उनको क्वारंटाइन करेगी और आवश्यक कार्रवाई जो आगे की होगी वो की जाएगी। दिल्ली की जो निजामुद्दीन जमात, वहाँ वो भी अटेंड करके कुछ लोग यहाँ आए हैं। एक जमात है जो दिल्ली से आई हुई है, जो 10 मार्च को जनपद में आई थी। इनसे पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 9 तारीख को ये दिल्ली में निजामुद्दीन गए थे और सबसे पहले इन्हीं 15 लोगों को अलग से क्वारंटाइन किया गया और इन्हीं का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें किसी को कोई सिम्टम अब तक नहीं मिला। इसमें संख्या लोगों के घर पे रुके हुए थे, उन लोगों को होम आइसोलेशन उनका किया गया है, उनको घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है और वहां पे पूरा मेडिकल टीम जाके डीएम साहब ने निर्देशित किया कि पूरी मेडिकल टीम जाके उनका भी चेकअप करेगी और अगर किसी में कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसके खिलाफ उसके उस हिसाब से आगे कार्रवाई की। सर, इन लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद कार्रवाई तो निश्चित रूप से जब एफआईआर दर्ज होगी तो कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन यह है कि अभी तो प्रायोरिटी हमारी यह है कि इन 14 लोगों को कोई सिम्टम किसी तरह का अगर डेवलप होता है तो आगे जो भी एसओपी है उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, इन लोगों कहाँ रहे? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।